हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर से कुछ इस टाइप से न्यू स्टाइल व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आगे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मीडिया में आना है। मीडिया में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको पिन एज जूम में जाना है। पिन एज जूम में जाने के बाद आपको जिस तरीके से आपको अपने बैकग्राउंड को जूम करना है, जूम करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको माइनस का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ड्यूरेशंस को बढ़ा लेना है। ड्यूरेशंस को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जितना बड़ा आपको व्हाट्सएप स्टेटस बनाना है उस हिसाब से आपको ड्यूरेशन सेट कर लेना है। सिंपली आपको लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपको इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद आपको बेसिक इफेक्ट में आना है। उसके बाद आपको ब्लर पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पूरे फ्रेम के ऊपर ब्लर को ऐड करना है। सिंपली आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको ब्लर को सेट कर लेना है अपने हिसाब से। 3 पे रखना है। 3 पे रखने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लर वाली लेयर पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको ब्लर की अपना ड्यूरेशन बढ़ा देना है, कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद आपको ये करना है, सिंपली आपको लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाना है आपको। मीडिया में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको टेम्पलेट को ऐड करना है। टेम्पलेट को ऐड करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको पैलेट स्क्रीन पे जाना है और साइज को फुल कर लेना है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, टेम्पलेट वाली लेयर पे क्लिक करना है। टेम्पलेट वाली लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाना है आपको। ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को कम कर देना है। ब्राइटनेस को आपको 50 पे रखना है। 50 पे रखना है आपको ब्राइटनेस को और सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करना है और विकनेट को खोल देना है और यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करने के बाद आपको फ्रेम में अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। तो आप यहाँ से भी लेयर में से भी अपनी फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे, जो आपके बैकग्राउंड पे फोटोज़ लगी हुई है वही आपके पास डुप्लीकेट होकर आ जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है और फ्रेम के अंदर ऐड करना है। उसके अलावा आप अपनी लेयर में से भी जाके फोटो को ऐड कर सकते हो। तो सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड बैक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड बैक पे क्लिक करोगे, जो आपकी फ़ोटोज़ होगी वो फ्रेम के पीछे चली जाएगी। तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। जिस तरीके से आपको सेट कर लेना है फ्रेम के अंदर अपनी फ़ोटोज़ को। उसके बाद सिंपली यस पे क्लिक, यस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इमेज वाली लेयर पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से आपको फोटोज को सेट कर लेना है फ्रेम के अंदर। सिंपली यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको म्यूजिक प्ले बटन PNG को ऐड करना है और आपको साइज़ को बड़ा कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है नीचे की साइड और अपना ड्यूरेशंस को बढ़ा लेना है। ड्यूरेशंस को बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको ग्रीन स्क्रीन ऐड करना है। ग्रीन स्क्रीन ऐड करने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे आना है, क्रोम की में जाना है। क्रोम की में जाने के बाद आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। इनेबल पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरीके से उसको सेट कर लेना है। ऊपर की साइड आपको सेट कर लेना है। आप ऊपर की साइड भी सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जहाँ आपको सही लगे वहाँ आप सेट कर सकते हैं इसको, जिस तरीके से आपको सेट कर लेना है। यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको वाइट बॉर्डर ऐड करना है और सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली इस पैलेट स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहाँ से फुल कर लेना है बॉर्डर को।
और बॉर्डर की ड्यूरेशन बढ़ा लेना आपको। सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको टैक्स में जाना है। टैक्स में जाना है। टैक्स में जाने के बाद आप एक्स वाई जेड कोई भी टैक्स लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैं आई लव यू लिखूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई लव यू, आई मिस यू। और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको डबल ए पे क्लिक करना है। डबल ए पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कोई भी अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। और उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको कलर्स में जाना है और कलर सेलेक्ट कर लेना है फॉन्ट्स के लिए, और हल्का सा रोटेट करना है और कुछ इस तरीके से आपको फ्रेम के नीचे ऐड कर देना है। और सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको फॉन्ट की ड्यूरेशन बढ़ा लेना है। और उसके बाद सिंपली आपको मैं सॉन्ग्स प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी इसमें सॉन्ग्स चेंज करा हुआ है, नो कॉपीराइट सॉन्ग्स लगाया हुआ है यूट्यूब की तरफ से, जो उस पर कॉपीराइट नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी सॉन्ग्स लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से भी सॉन्ग्स लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक्चर्स को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और अपनी पिक्चर्स को सेव कर लेना है। फ्रेंड्स, आए हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।